हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अच्छी हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं बहुत ही स्पेशल रेसिपी बनाने जा रही हूँ। मेरा पूरा वीडियो जरूर देखिएगा क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी और बहुत अच्छी वीडियो बनने जा रही है, बहुत ही अच्छी रेसिपी है, तो जरूर देखिए। जिसका नाम है चिकन मायो नान सैंडविच, जो चिकन के कीमे और नान से बनाई जाती है। बहुत इजी तरीके से बन जाती है और जल्दी से बन जाती है, फटाफट बन जाती है, जो खाने में बहुत टेस्टी होती है, डिलीशियस होती है और बड़ी मज़ेदार भी होती है। तो चलिए मेरे साथ देखते हैं कैसे बनती है। ये आधा किलो बोनलेस चिकन है जिसको मैंने बारीक कीमा बना लिया है। इसका ये दो बड़े साइज का प्याज है, इसको मैंने बारीक चॉप किया है, टमाटर चॉप किया है, शिमला मिर्च, ये लहसुन अदरक का पेस्ट है, जितना जरूरत होगा मैं उतना ही डालूंगी, गाजर है और ये नमक, मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और जरूरत के हिसाब से तेल। पैन गरम हो गया, मैं इसमें 2 चम्मच तेल डाल रही हूँ। तेल गरम हो गया, मैं इसमें डाल रही हूँ प्याज। प्याज हल्का सा ब्राउन होना शुरू हो गया है तो मैं इसमें डाल दे रही हूँ थोड़ा सा हल्दी पाउडर। हल्दी मैं साथ में ही डाल देती हूँ ताकि हल्दी का जो स्मेल होता है वो निकल जाता है। मैं 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डाल रही हूँ। तो देखिए प्याज बिल्कुल लाल हो गई अच्छी तरह से। मैं इसमें डाल रही हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट, मैं 2 चम्मच डाल रही हूँ, लाल मिर्च का पाउडर थोड़ा सा, इस चम्मच से मैंने 1/4 चम्मच डाला है, धनिया पाउडर मैं दिखाना भूल गई थी पहले, तो मैं इस चम्मच से 3 चम्मच धनिया पाउडर डाल रही हूँ, ज्यादा नहीं डालूंगी। एज पर योर टेस्ट नमक अच्छे से भून लेंगे। बहुत ही अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो गई है माशाल्लाह। ये बहुत जल्दी और बहुत झटपट बन जाता है। ये टमाटर भी डाल दे रही हूँ ताकि मसाला भी भून जाएगा और ये टमाटर भी बन जाएगा, साथ में शिमला मिर्च भी डाल रही हूँ, सब एक साथ डाल दे रही हूँ, टाइम की बचत हो जाएगी। ये गाजर भी मैं डाल रही हूँ, गाजर थोड़ी सी, मैंने 1 गाजर लिया था, मैं आधी गाजर डाल दूंगी। चलिए इनको अच्छी तरह से भून लेना है। देखिए कितना यम्मी दिख रहा है माशाल्लाह, बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनता है। इसको मैं थोड़ा सा फ्लेम को इसको स्लो करके इसको ढक के थोड़ा भूनती हूँ मसाला, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। तो देखिए ये मसाला बहुत अच्छी तरह से भून चुका है, अब मैं इसमें डाल रही हूँ चिकन। इसको अभी थोड़ा सा भून के और इसको बहुत ही जल्दी ये पक जाएगा, तो इसको 5 से 10 मिनट तक बंद करके रख देंगे, ये पक जाएगा फिर अच्छी तरह से ये तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए हमारा चिकन का कीमा बिल्कुल अच्छी तरह से रेडी हो गया है, एकदम भुन गया है और इसके सारे तेल भी आ गए ऊपर, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी सा बन के रेडी हो गया है। बस अब इसको मैं डाल दूंगी हरी धनिया, प्यारा लग रहा है। इसको साइड में रखती हूँ और मैं बन रेडी करती हूँ। बन मैंने रेडीमेड लिया है, बन घर में नहीं रेडी कर रही हूँ, फिर मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये देखिए ये बन नान है, नान बन इसको बोलते हैं, ये मैंने इसको इस तरह से बीच से कट कर लिया है और अब मैं इसमें लगा रही हूँ ये कीमा, इसमें सॉस लगाऊंगी। ये अपनी मर्जी से आपको कितना भी डालना है डाल लीजिए, कम ज्यादा, इस पे हरी चटनी भी लगा सकते हैं। मेयोनीज है, ये अच्छे से मिक्स कर लीजिए, मेयोनीज को भी इस तरह से मिला लीजिए। चिकन इस पे रखिए, इसको इस तरह से बंद कीजिए और अगर सलाद का पत्ता रहेगा आपके पास तो आप सलाद का पत्ता लगा सकते हैं। तवे पे मैं थोड़ा सा लगा रही हूँ मक्खन, ये रोटी का तवा है, मैं इसी पे मक्खन लगा रही हूँ।
इसको बहुत ही स्लो फ्लेम पे इसको धीरे से रख के इसको सेक लेना है। ये देखिए एक साइड से अगर हो गया है, एक साइड से ये हो गया है, तो इसको धीरे से इस तरह लेकर चिमटे से पकड़ के बहुत ही आराम से इसको इस तरह से पलट देंगे, यानी इस साइड का भी ये सेक लेंगे। थोड़ा सा मक्खन भी डाल देंगे ताकि इसमें मक्खन का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। तो इस पर हल्का हल्का सा मक्खन लगा देंगे, तो इसको स्लो फ्लेम पे अच्छे से सेक लेंगे। इसी तरह से देखिए मैं अपने सारे नान को बना लूंगी उस तरह से, फिर मैं डिश आउट करती हूँ, फिर आपको दिखाऊंगी। तो चिकन मायो नान सैंडविच बनकर रेडी हो गया है। होप आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, बहुत सारे अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।